हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड के डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन पॉन्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। डिजाइन क्राइटेरिया फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट, ऑक्सीडेशन पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट होता है उसमें ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की रेंज क्या होती है। ऑर्गेनिक लोडिंग, जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग होता है उसकी जो रेंज होती है वो 300 से 150 केजी पर हेक्टेयर पर डे होती है। ठीक है, ये हमारा होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की रेंज होती है। इंडिया में ये वैल्यू बात करें तो इन इंडिया टू अबाउट ये हमारी वैल्यू हो जाती है 90 to 60 केजी पर हेक्टेयर पर डे। ये हमारा इंडिया में ये ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू हो जाती है। एक दिन में एक हेक्टेयर मीटर पर कितने केजी हमारी जो ऑर्गेनिक लोडिंग होती है उसकी वैल्यू होती है। दूसरे डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। जो एरिया होना चाहिए ऑक्सीडेशन पॉइंट का, हर एक यूनिट की जो एरिया होगी वो हमारी 0.5 से 1 हेक्टेयर के बीच में होती है। Each unit may have an area ranging between 0.5 to 1 hectare। ये हमारा हर एक यूनिट की जो एरिया होती है उसकी रेंज होती है 0.1 से 1 हेक्टेयर। नेक्स्ट हमारा डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है, जो एल बाई बी का रेशियो होता है वो हमारा होता है 2। और जो डेप्थ होती है ऑक्सीडेशन पॉइंट की, जो डेप्थ होगी या हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव डेप्थ होगी, इफेक्टिव डेप्थ वो हमारी होती है 1 से 1.8 मीटर तक। और जो उसमें हम प्री बोर्ड लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉइंट में, प्री बोर्ड जो हमारी वैल्यू होती है 1 मीटर होती है। ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई लेंथ, विड्थ, डेप्थ और प्री बोर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन टाइम, जो डिटेंशन टाइम होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट का वो हमारा कितना होता है 2 to 6 वीक तक होता है। 2 से 6 वीक तक हमारा डिटेंशन टाइम होता है। कहीं कहीं ये वैल्यू 7 to 42 डेज तक भी हमारी वैल्यू होती है डिटेंशन टाइम। अगर वीक में बात करेगा ये हमारी वैल्यू होती है 56 वीक, और डे में बात करेगा ये वैल्यू हमारी होती है 7 to 42 डेज। अब डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है जिसके हेल्प से हम डिटेंशन पीरियड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन डेज में। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिटेंशन पीरियड इन डेज डिटेंशन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन पॉइंट। अब इसमें क्या क्या टर्म्स है, वेयर एल इक्वल्स टू हमारा इसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ द इन्फ्लुएंट इंटरिंग द पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड में वेस्ट वाटर इन कराने के इन्फ्लुएंट कराने के टाइम हमारी ड्यूटी इसमें कितनी है, वो अपडेट को हमारी होती है एल। ड्यूटी ऑफ द इन्फ्लुएंट इंटरिंग द पॉन्ड, इंटरिंग द पॉन्ड्स। ठीक है,
इंक्रीमेंट के समय हमारी कितनी पीओडी है वो हमारा होता है एन, वाई हमारा होता है बीओडी रिमूव, यानी कि ऑक्सीडेशन पॉइंट में कितनी हमारी पीओडी रिमूव हो रही है, ट्रीटमेंट के दौरान हमारी कितनी पीओडी रिमूव हो रही है वो वैल्यू हमारी होती है वाई। और केडी हमारा क्या होता है, केडी इक्वल्स टू हमारा होता है डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे है 20 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू हमारी होती है 0.1 पर डे, ये हमारा केडी की वैल्यू होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करना होगा ऑक्सीडेशन का होगा तो कैपेसिटी इक्वल टू होता है सीवेज फ्लो पर डे टू डिटेंशन टाइम, यानी कि एक दिन में कितना हमारा सीवेज फ्लो रहा है ऑक्सीडेशन पॉइंट में और उसका डिटेंशन टाइम हमारा कितना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैपेसिटी पता चल जाती है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, कैपेसिटी इक्वल टू होता है कैपेसिटी इक्वल टू सीवेज फ्लो पर डे इनटू डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम यह हमारा होता है फॉर्मूला कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए। अब कुछ इसमें हम बेसिक चीजें बात कर लेते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन पॉइंट में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो कितने परसेंट हमारी ब्यूटी रिमूव होती है और कितने परसेंट हमारा जो यूनिफॉर्म बैक्टीरिया होती है वो रिमूव होती है, तो जो बीओडी हमारी होती है वो लगभग हमारा 90% तक हमारी बीओडी रिमूव हो जाती है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, ठीक है। और कोलिफॉर्म रिमूवल जो होता है वो हमारा कितना होता है 99%, कोलिफॉर्म रिमूवल is up to 99% तक के लिए हम रिमूवल होता है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट। ऑक्सीडेशन पॉइंट का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा क्या होता है, जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है वो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा चीप होता है द ऑक्सीडेशन। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉइंट ट्रीटमेंट इज दैट इट इज वेरी चीप, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है चीप होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट ट्रीटमेंट। तो ये हमारे हो गए डिजाइन क्राइटेरिया, इन डिजाइन क्राइटेरिया का यूज जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन पॉइंट का उसमें यूज करेंगे ये सारे डिजाइन क्राइटेरिया का, तो इसको आप नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक इन्वेंटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक इन्वेंटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, द कॉलोनी ऑफ एन
the colony, park, and industrial estate has population of 2600 person. The sewage flow is 125 liter per capita per day. The five day BOD of the sewage is 350 ppm. Design the oxidation pond for the treatment of sewage. ये हमारा प्रश्न क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमारा कोई इंडस्ट्रियल स्टेट कॉलोनी है जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है 2600 लोग और जो 1% से जो सीवेज हो रहा है वो हमारा कितना उसकी क्वांटिटी है 125 एलबीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे और जो बीओडी की क्वांटिटी दी हुई है 5 दिन की वो हमारा कितना है 350 रुपये में एक लीटर में 350 किलोग्राम हमारी दी हुई है 5 दिन की सीवेज इन डेटा के बेसिस पे हमें ऑक्सीडेशन पॉइंट का हमें डिजाइन करना है ठीक तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं तो हमारी क्या वैल्यू गिवन है पॉपुलेशन ये हमारी है 2600% देन हाउ फार हमारा गिवन है सीवेज फ्लो गिवन है सीवेज फ्लो ये हमारा 125 लीटर पर कैपिटा पर डे और जो 5 डे बीओडी दिया हुआ है 5 डे बीओडी इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 350 ppm ठीक है ये हमारी गिवन डेटा है अब अगर हम देखें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2600 और 1% से हमारा सीधे से क्वांटिटी कितना है 25 अब जब हम 2600 लोगों के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ सीवेज कैलकुलेट करना होगा तब क्या करेंगे दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिले उनको हम क्या होगी टोटल फ्लो ऑफ सीवेज का भी पार्ट है हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे टोटल फ्लो ऑफ सीवेज पर डे क्या है पॉपुलेशन इंटू सीवेज फ्लो पॉपुलेशन हमारी कितना है 2600 है सीवेज की क्वांटिटी कितनी है 125 लीटर पर कैपिटा पर डे अब जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी ठीक है 25,000 लीटर अब इसको अगर हम लीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 325 लीटर क्यूब क्योंकि 1 लीटर क्यूब से हमारा क्या होता है 10^3 लीटर क्यूब लीटर की जब हम क्या लिख सकते हैं 10^3 3030 क्या होगा खत्म हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आएगी 325 लीटर के ये हमारी टोटल हमारी क्या हो जाएगी सीवेज की क्वांटिटी हो जाएगी एक दिन में अब अगर हम टोटल सीवेज की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया तो हमें बीओडी अगर पर डे का कैलकुलेट करना हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीओडी पर डे क्वेश्चन क्या हो जाएगा
बीओडी पर डे इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा सीधे 5 डे बीओडी 5 डे बीओडी इनटू टोटल फ्लो ऑफ सीवेज डिवाइडेड बाय और इसको हमें एलजी में कन्वर्ट करना ये वैल्यू हमारी इसमें होगी ये जो हमारी वैल्यू है ये किसमें है 5 डे की पीपीएम में यानी कि मिलीग्राम पर लीटर में ठीक है तो इसको हमें एलजी में कन्वर्ट करना रहेगा फिर हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारे लीटर में है लीटर में भी है इसको जब हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.106 होता है तो जब लीटर में वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3.30 माइनस हो जाएगा बचे रखे हमारे पास 30 यानी 1000 बचेगा इसलिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे अब हम वैल्यू पुट करते हैं 5 डे की ड्यूटी हमारी कितनी है 350 केजी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा केजी पर लीटर में अगर लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 20.6 हो जाएगा इनटू टोटल फ्लो कितना 325,000 लीटर अब यहाँ लीटर लीटर हमारी बचत कट जाएगी और 3030 माइनस 1030 का मतलब बचेगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 113.7.75 केजी ये हमारी बीओडी हो जाएगी पर डे की जो हमारा टोटल फ्लो ऑफ सीवेज है उसके ऊपर तो बीओडी पर डे हमारा कितना आ जाएगा 113.75 केजी अब इसमें हम लोडिंग रेट एज्यूम करेंगे तो हमने अभी पिछले पॉइंट पे हमने डिसीजन किया है कि जो हमारी ऑर्गेनिक लोडिंग होती है उसका जो रेंज होता है वो हमारा कितना होता है 100 से लेकर के 150 तक होता है यहाँ हमने ये चीज निकाल रहा है तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट को इसको हमारा कितना होता है 300 से 150 केजी पर हेक्टेयर पर है अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे अब हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की वैल्यू को एज्यूम करेंगे एज्यूमिंग रेट ऑफ लोडिंग मतलब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इसको हम एज्यूम कर दे रहे हैं 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे ये हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट हो जाएगा अब जब हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एज्यूम कर लिए तो हम सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बीओडी पर डे डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लोडिंग एरिया सरफेस एरिया की हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड ऑक्सीडेशन पॉन्ड तो इसके बारे क्या जाएगा रेट ऑफ लोडिंग डिवाइडेड बाय तब यहाँ हमारा होगा बीओडी पर डे डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लोडिंग ओके हम सर्वे से ये कंप्लीट करना है ना फार्मूला हमारा क्या था बीओडी पर डे डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लोडिंग बीओडी हमारा पर डे का कितना है हमने इसे कंप्लीट किया कितना आ रहा 113.75 के जी 113.75 केजी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लोडिंग हमने कितना एज्यूम किया 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे ये हमारी जो बीओडी आई है ये क्या है पर डे के हिसाब से केजी पर डे क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.38 हेक्टेयर्स अब इसको हम चूंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट हमारी उसमें भी चाहिए मीटर स्क्वायर में होगी जब इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3800 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारी एरिया इसकी ऑक्सीडेशन
अब हमें पता है कि जो हमारा एल वाई बी का रेशियो होता है लेंथ अपॉन बी वो कितना होता है, टू होता है। जब हमने पिछले डिस्कशन किया जब हमने डिजाइन क्राइटेरिया बताया ये हमारा थर्ड पॉइंट यहां है एल वाई बी को कितना होता है डिजाइन क्राइटेरिया में टू। अब हम यहां एल वाई बी क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे टू, ये वैल्यू हमारी क्या होगी एजी वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एल प्लस टू भी लिख सकते हैं ठीक है। अब चूंकि हमारा सरफेस एरिया कंप्लीट हो चुका है तो हम एरिया इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एल इंटू बी लिख सकते हैं। एरिया हमारी कितनी आएगी 3800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं टू बी टू बी इंटू बी। जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 43.60 मीटर, ये हमारी हो गई बी की वैल्यू जैसे 60 मीटर। अब एल क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एल क्वेश्चन हो जाएगा 2 × 43.60 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 57.20 मीटर, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो हमें एरिया भी पता चल गया लेंथ भी पता चल गया और विड्थ भी पता चल गया। अब इसमें हम कैपेसिटी रिकैलकुलेट कर सकते हैं और डिटेंशन टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आते हम समझ करते हैं कैपेसिटी का फॉर्म कैपेसिटी ऑफ फॉर्म। अब कैपेसिटी जैसा कि हमें पता है किसी भी चीज के अगर कैपेसिटी पता करनी हो अब क्या करते हैं उसमें लेंथ विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसकी कैपेसिटी होती है वो हमें क्या होगी पता चल जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक सोर्स क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, जो हमारी क्या है डेप्थ है डी। तो हम डेप्थ का वैल्यू पता नहीं है तो हमने अभी पीछे डिस्कशन किया था डिजाइन क्राइटेरिया में कि जो ऑक्सीडेशन पॉइंट होता है उसकी जो डेप्थ जो होती है 1 से 1.8 मीटर तक होती है तो इसी बीच में कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अज्यूम कर लेते हैं डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ अज्यूम कर यूजिंग पॉन्ड विद इफेक्टिव डेप्थ विद इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 1.20 मीटर। अब इसमें हम सारी वैल्यू करके मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ हमने पीछे कैलकुलेट किया कितना आया था 57.20 इनटू विड्थ हमारी कितनी आई थी 43.60 इनटू डेप्थ हमारी कितनी डेप्थ के लिए 1.20। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 57.20 इनटू 43.60 इनटू 1.20 इक्वल्स टू 4562.3 मीटर के ये हमारी कौन सी कैपेसिटी आ गई। अब हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिए तो डिटेंशन टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डिटेंशन टाइम जो है क्या होता है कैपेसिटी अपॉन सीवेज फ्लो पर डे। नाउ डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू कैपेसिटी divided by sewage flow per day, sewage flow per day। तो कैपेसिटी हमारी कितनी आई है हमने कैलकुलेट किया 4562.3 मीटर क्यूब divided by sewage flow per day हमारा कितना है 325। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा वैल्यू 4562.3 divided by 325 = 14। हमारे डेज भी कुछ टाइम और हमारे डेज भी वैल्यू कैसे होगा ये
हमारा डिटेंशन टाइम कितना होगा 14 डेज। हमने अभी पीछे जब डिस्कशन किया था तो डिटेंशन टाइम का जो रेंज बताया था हमारा कितना था 2 से 6 दिन, ठीक है। ये हमारा 14 डेज है यानी 2 वीक, ये हमारा डिटेंशन टाइम हो गया 2 वीक। अब हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, लेकिन हमने कैलकुलेट किया था कितना आया 87.20 मीटर, भी हमने कैलकुलेट किया था 43.60 मीटर, डिटेंशन टाइम हमारा कितना आया था, डिटेंशन टाइम 14 डेज। ओवरऑल डेथ हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेथ इक्वल टू इफेक्टिव डेथ प्लस फ्री लोड। इफेक्टिव डेथ हमने कितना एज किया था 1.2 मीटर प्लस फ्री लोड हमने डिजाइन करके कितना होता है था 1 मीटर, दोनों पार्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2.2 मीटर। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा ऑक्सीडेशन पॉइंट का। तो किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन पॉइंट के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो जितना भी डिजाइन क्राइटेरिया हमने बताया वो सारे डिजाइन क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखते हुए ऑक्सीडेशन पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।